कबसर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सोच रहा था कि स्ट्रेंथ लू या बॉटम्स अप लू, आखिर नहीं स्ट्रेंथ ही लेना चाहिए। स्टॉक का नाम है HDFC AMC, इसमें स्ट्रेंथ है, काफी कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक अप मूव मिला, ट्रेड कर रहा है 2761 पर। स्टॉप होना चाहिए 2720 पर, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है आते दिनों वो है करीब 3000 का, लेकिन हम वो बहुत एग्रेसिव कॉल है, तो मैं कहूंगा मेरे ख्याल से 2850 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है इन द नियर टर्म। तो यस, HDFC AMC पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। आज तो वेंसडे है, आप अभी से बॉटम अप। हाँ, बॉटम अप वाला फ्राइडे को करेंगे आप। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए फ्राइडे को बॉटम अप करेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी मेटल्स पे आज ध्यान देना चाहिए। कल की जो एक शानदार रिकवरी हुई थी, लगभग 4 दिनों के डिक्लाइंस को एक ही दिन के प्राइस एक्शन ने एब्जॉर्व कर दिया था, एंड एक क्लासिक बुलिश हैमर फॉर्मेशन निफ्टी मेटल्स पे एग्जिबिट हुआ है। तो कहीं जाकर जो एक लो टॉप लो बॉटम करेक्शन चल रहा था, माइनर वेव थी आई थिंक, वो खत्म हुई है, एक शानदार तेजी के लिए वेल पोजीशन हो चुका है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। तो उसमें से मैंने चुना है जिंदल स्टील एंड पावर का स्टॉक, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग एक्शन हो रही है 680 के आसपास, काफी अच्छा इसने बेस बनाया है, वही से वापस कल की मूव एलिवेट हुई थी। इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है आज के सत्र के लिए 710 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 740 के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से लगाए लगभग अराउंड 688 पे। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 710 का, इंटरमीडिएट टारगेट होगा 725 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 740 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। मेटल्स शायद आउट परफॉर्म करें। कल चर्चा में भी आ रहे थे दोपहर में, जब अपडेट आ रहे थे चाइना रिलेटेड स्टिमुलस, देखते हैं वो स्टिमुलस कब आता है, किस क्वांटम का आता है, लेकिन मेटल्स अखिल रडार पे। कल वो सेकंड हाफ में बड़ी आउट परफॉर्मेंस था इन स्टॉक्स में। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रिफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिये नजर मेरी है एस्ट्रल पे, कल भी मुझे लगता है 10 बजे के शो में मैंने इसको दिया था, तो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन क्या करें, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अगर आप एस्ट्रल का इसका कल का डेटा देखें, डेरिवेटिव्स का डेटा, तो क्लियर कट एक लॉन्ग बिल्टअप है, टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है 10, 20, 50, ये जो क्लस्टर था 1900 का, इस क्लस्टर के पार चला गया एस्ट्रल, तो 1900 के ऊपर एक क्लियर कट बाय बनता है, तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1890 का। देखिए मैं स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेकआउट के हिसाब से रखता हूँ, तो 1900 का ब्रेकआउट है तो मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये का हो जाएगा, सो 1890 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो भी डिप मिले इसमें बाय करेंगे एस्ट्रल को। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1950 से लेके 1970, तो एक बड़ा मूव मुझे लगता है एस्ट्रल में आएगा। एस्ट्रल कल भी मेंशन होता सुबह, और सत्य साहब कंटिन्यू कर रहे हैं रिपीटेटिव, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो खरीदारी करने का कॉल कंटिन्यू कर रहा है स्टॉक पे। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ गए। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एनएमडीसी पे खरीदारी करनी है। एनएमडीसी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर कल रिकवरी देखने को मिली, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, और एक प्राइस ब्रेकआउट 149 के ऊपर देखने को मिला। आई थिंक करंट डेवर्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। एनएमडीसी में पोटेंशियल है पिछले हाईस को ब्रेज करने का, तो जो मेरे टारगेट है वो 156 के रहेंगे। 156 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए एनएमडीसी में, और आपके स्टॉप लॉसेस 147 के रहेंगे। 150 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 4.95 रुपए की क्लोजिंग थी, 5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां खरीदारी करिए। 3.30 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 8.50 रुपए के टारगेट से। ओके, चलिए ये इस समय मानस के पिक तो 2 मेटल स्टॉक्स हो गए एक्चुअली आज अभी तक। आशीष बहेती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड होगी आपकी? आशीष जी, गुड मॉर्निंग योगा। मेरी ट्रेड रही यूबीएल में, खरीदारी की सलाह रही है। स्टॉक पिछले 7 से 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 200 डेमा पे, और कल फ्रेश ब्रेकआउट दिया 20 डेमा के ऊपर। अब ये अपना 1600 का जो जोन है, जो कि एम जोन और कॉलाइटस का जोन से अप्रोच कर रहा है, हमें लगता है कि जैसे ही ये जोन को निकालेगा इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि 1640 और 1650 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इसमें खरीदारी की सलाह है यूबीएल में। 1565 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की पोजीशन में नहीं जा सकी है, पर फर्स्ट टारगेट 1610 एंड सेकंड टारगेट 1630 के लिए।
1630 साहब इज बैक यूबीएल लीजिएगा सर, आप बॉटम्स अप नहीं करोगे तो लो आप स्ट्रेंथ के साथ रहो, कोई फायदा नहीं है। यूबीएल रडार पे बहेती साहब क्या आता हुआ, सावन साहब गुड मॉर्निंग, सावन साहब रडार पे कौन सा स्टॉक? जी आशीष जी, अरुण जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो यहाँ पे मिड कैप आईटी में मुझे काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट एक बहुत अच्छे लेवल पे आके जो कल पैटर्न बना है बैक बाय वॉल्यूम, तो वहां पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। करीबन 5,755 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5,685 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 5,900 का देख रहा हूँ। चलिए फिर अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए जो स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एनबीएफसी का स्पेस है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो लीडर है जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्होंने नए 52 वीक हाई बनाए हैं और बहुत ही अच्छा इनके जो क्वार्टरली अपडेट्स है वो काफी स्ट्रांग रहे, बहुत ही स्ट्रांग ईएम ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को नजर आई, क्लाइंट एडिशन काफी स्ट्रांग रहे। साथ में अगर से हम देखें कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में चोलामंडलम या श्रीराम फाइनेंस जैसे कंपनीज है उनमें भी काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, तो मुझे लगता है पूरा स्पेस कहीं ना कहीं एनबीएफसी का काफी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसमें बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं। बट अगर से आज एक स्टॉक इनमें से चूज करना होगा तो मैं जाना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस के साथ, जहां पर वैल्यूएशन का काफी कंफर्ट हमें नजर आता है। स्टॉक करीब 1892 पे कल क्लोज हुआ है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट स्टॉक का टेक्निकली 1820 के आसपास है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 2100 रुपए के नए ऑल टाइम हाई के लक्ष्य श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आप देखें तो स्टॉक 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम हमें श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन की रीरेटिंग हमें देखने को नजर आएगी। वहीं चोलामंडलम ऑब्वियसली क्वालिटी प्लेयर होने की वजह से एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और वो ट्रेंड वहां पे मेंटेन रहेगा, बट उसकी वजह से मुझे मेरा और मानना है कि श्रीराम के अंदर में वैल्यूएशन का कैचअप आता हुआ नजर आएगा, तो एक अच्छी अपसाइड श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। डिस्क्लोजर के टर्म्स में इन स्टॉक्स की जिनकी हमने चर्चा की सभी हमारे पोर्टफोलियोज में एलोकेटेड है और हमारी पूरी एनबीएफसी के टॉप पिक्स के तौर पर इसको इसको हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।